Yeah.
इन लोगों का नाम कब तक रहता है? थोड़ी दिन के लिए रहता है।
जैसे अभी मोदी है, नरेंद्र मोदी का नाम प्रचंड हो, नरेंद्र मोदी अभी हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर का आधार था, आधार है, आधार है। लेकिन अगली बार क्या नरेंद्र मोदी आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी है नहीं? कोई गारंटी है नहीं, तो कोई गारंटी नहीं। अगली बार नरेंद्र मोदी आसते बारे कुछ बात करते हो, हमारा तो निश्चित होगी घुमा ची, क्योंकि ये खान उधर घूमो देखना क्या है, मामता दीदी ये खान घूमो देखना ठीक है, ठीक है उधर रात आखिर में उधर घूमो है ना, हाँ टाबले ढकले उधर घूमो है ना, क्या ना आगे वाले के खान हाँ मंत्री ये खान के जीतवे हाँ के जीतवे ऐसे, इसलिए यहाँ कैसे जगत में बहुत तरह तरह का प्रतिष्ठा है, नाम है, लेकिन किसका नाम सबसे जगत में सबसे बड़ा नाम रूप में ख्यात होता है, श्री राय रामानंद कहते हैं कृष्ण भक्त बोलिया जहार है ख्याति। अगर किसको कृष्ण भक्त बोल करके अगर जगत में उसका ख्याति हो जाता है, करोड़ों साल पहले ध्रुव प्रह्लाद आए, लेकिन अभी भी हम सबके सब उनका नाम ले रहे, उनका नाम तो अभी हम जाकर, इसलिए बड़ा बनना तो क्या बनकर के बड़ा बननी चाहिए, भगवान की भक्त बनकर के बड़ा बन, भगवान के भक्त हो ये भी बड़ा होते पारे काल निगाही प्रकृत लाभ। इन्होंने बोलते कृष्ण कथा सुना रहे प्रथम लाभ बोलो जगत को अमरत्व तो प्राप्त हो गए है, जगत जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक ये अमर बनकर रहेगी है, एक यदि कलयुग को शेष हो लो आवार जखन सत्य युग प्रारंभ होवे किंतु ये भागवत ना वेद पुराण ये नष्ट होवे आवार ये वेद भागवत को आवार जगत आस आवार ले की अब तमन से ध्रुव प्रहलाद वीरा तुलस तक जब ये दुनिया ध्वंस हो जाएगा, पूरा जो प्रलय हो जाएगी विश्व ब्रह्मांड आस्तिक लय जब ब्रह्म लोक तक जिसमें प्रलय हो जाता है, लेकिन फिर जब दोबारा सृष्टि होगा फिर ये ध्रुव प्रहलाद जिनका नाम फिर जगत में आएगा, इसलिए जो भक्त बन करके जगत में जिसका नाम हो जाता है कभी जगत में सबसे बड़ा प्रतिष्ठा इससे बड़ा प्रतिष्ठा नहीं, बुद्ध वचन तो यदि बड़ो होते है ना भगवान के भक्त वही बड़े हो, हीरो हीरोइन हुए बड़ो वही लाभ है, वो दूर पर सब हीरो हीरोइन को बोली जाते क्यों जिज्ञास कर रहे ठीक बोलते तो कई जने बोले तब कथा मृत प्रथम कथा सुना लाभ बोलो कृष्ण कथा से अमृतत्व के जीव प्राप्त करे, बोले द्वितीय कथा लाभ की बोले तप्त जीवनम, कहते संसार में बहुत तरह तरह का दुख है, संसार में तप्त जीवनम सबाई संसार दुख कष्ट भोग करती है, एक मत के बोलते बार ना हम संसार पूरा भला आज के बोलते बार बा के बोलते बार ना क्यों शरीर से के दुखी, कोई स्त्री से के दुखी, कोई पति से के दुखी, कोई चले से के दुखी, क्यों काम से के दुखी, क्यों पड़ोस से के दुखी, क्यों मन से के सवाई दुखी दुखी संसार क्यों ये संसार बोलते बारे ना हमारा संपूर्ण रूप में भला है, जगत में कोई नहीं बता सकता है हम किसी संसार में सुखी है, कोई नहीं बता सकता सब संसार में दुखी है, क्योंकि जो इसी दुनिया को बनाया किसने बताया भगवान कृष्ण, वो भूत कहते हैं ये दुख का घर है, ये तो मैंने बनाया एटा वो दुख है घर एटा है, किस तरह संसार है छाया बाजी पा प्राए यहाँ तो ममता करी बढ़ाई दिन जाए, अतः नीचे जिन बाली है चले तेरी स्वयं बोल चे संसार की होल दुख है संसार है जगत के समस्त नस्वर, किंतु जगत के सुखी की करी होते बार हो जगत में सुखी कैसे बन सकते हैं, केवल कृष्ण कथा से ही हम संसार में सुखी हो सकते हैं, बुधवार से तो केवल कृष्ण कथा ही ऐसे जगत में जो हमें संसार में सुखी कर सकता है, देखो मेरे प्रणाम प्रमाण देखो अपना अपना बारी बारी छेड़े भी आज तक बारी तो सवाई दुखी दुखी चले जब तक वृंदावन ऐसे थे संसार ने तो दुख पर कथा मनाया थे, जब से कृष्ण कथा सुनते हैं कृष्ण आरती से आस्ते भगवान के भजन सुनते संसार के कोनो दुख कष्ट तो मने आछे
দেখবেন তখন মনে আসে যখন এই ভগবানের কথাটা ছেড়ে দেওয়া হয়, যখন ভগবানের কথাই না বসবেন, কীর্তন না বসবে না, তখন এই ঘরের কথা মনে আসবে। কিন্তু যতটুকু সময় এই কৃষ্ণ কথা, এই কৃষ্ণ ভজনে যে কৃষ্ণ দেখবেন ততদিন পরে সমাজ সংসারে কোনো দুঃখ কষ্ট মনেই থাকবে না। जब तक हम भगवान की भक्ति करते, भजन करते, भगवान की कथा में डूबे रहते हैं, तब तक संसार का कोई दुख कष्ट याद नहीं आएगा। लेकिन जब कृष्ण कथा से हम अलग हो जाते हैं, फिर संसार में ये हुआ, संसार में ये कथा है, संसार में ऐसे हो रहा है, संसार ये होते, फिर संसार का दुख याद आएगा। देखो संसार का दुख याद आती नहीं है। अगर 24 घंटा अगर कोई भगवान की कथा में, कीर्तन में, नाम में डूबे रहे तो फिर संसार का कोई भी दुख कष्ट में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी भगवान को जब स्तुति करते हैं वो क्या कहते हैं, बोले जाने प्रयास उदुपास्य नमन्त एव जीवति सन्मुख रीतम भवदी अवाता स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवां मनोवि जे प्रायस अजित जितो अपि त्रैलोक्य। पितामह ब्रह्मा जी बोलते भगवान एक नाम हो अजीत, नाम क्यों लो भगवान का एक नाम अजीत है। अजीत मतलब क्या है, जिनको पाना बड़ा ही कठिन, मतलब जिनको जीत नहीं सकते, जिसको पा नहीं सकते हो। अरे यहाँ प्रश्न होता है क्या भगवान हमें मिलेंगे नहीं, प्रश्न होता है भगवान बोला अजीत है, जिनको पा ही नहीं सकते हो, जिनको जीत नहीं सकते हो। अभी प्रश्न है कि अगर भगवान मिलेंगे नहीं तुम्हें कल, बोले हाँ मिलेंगे तुम्हें, मिलेंगे। बोले कैसे मिलेंगे, बोले ज्ञान प्रयास उदुपास्य है, कहते ज्ञान का प्रयास छोड़ो है। ये कौन से ज्ञान, एक तो जीव ब्रह्म ही का ज्ञान, एक दिन हम ब्रह्म हो जाएंगे, एक दिन हम वही ज्योति थे लीन हो जाए, ज्ञान तत्व ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान को छोड़ दो, छोड़ करके तत्व ज्ञान को छोड़ दे, तत्व ज्ञान को छोड़ दे कैसे काम चलेगा। बोले जब कृष्ण कथा जब हम सुनेंगे, भगवान की कथा जब सुनेंगे, सुनते सुनते तुम्हारी अपने आप ज्ञान हो जाएगा। जब हमारा कृष्ण कथा सुन दो, कृष्ण कथा सुनते सुनते निजे तक सब ज्ञान तुम्हारा हो जाएगा। আলাদা ভাবে কোন জ্ঞান অর্জন করার কোন দরকার নেই। কৃষ্ণ কথাই শুনতে 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 তোমারই আপনি আপ তোমার জ্ঞান হয়ে যায়। ইসলিয়ে বলে নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখ রীতম ভবদেবতা। यहां पर कहते हैं जीवन क्या बनाए, अपना जीवन को क्या बनाए। अभी हमारा जीवन क्या, रोटी और चावल। एक टाइम में अगर रोटी नहीं मिला ना, बोले हाय रोटी दिन भर रोटी का मुंह नहीं देखा। यदि एक टाइम में अन्न ना खाए ना, बोले सारा दिन भातरे मुंह ही देखते भाई, भातरे मुख देखते भाई ने सारा जीवन। यदि उसी तरह अगर कोई अपना जीवन को ही कृष्ण कथा बना दे, अगर एक दिन अगर कथा नहीं सुने उनको ये लगे आज का सारा दिन हमारा बेकार चला गया, सारा दिन आज कृष्ण कथा ही नहीं सुन पाए, বুঝতে পারছেন তো। যদি এইরকম যদি ভাবনা আসে, কৃষ্ণ কথা করি আপনার জীবন আপনা বনা দে, এই আমার জীবন হ্যাঁ, কৃষ্ণ কথাই আমার জীবন হিসলে সন্মুখ রীতং ভবদি অবার্তা। বলে কথা কাহা সে শুনে, বলে কথা কোথা থেকে শুনব, বলে সন্মুখ রীতং ভবদি অবার্তা, কথা যাহা তা নেই শুনতে হয়, कथा जहाँ था नहीं सुननी है, कथा सुनना वैष्णव से, जहाँ भागवत पढ़ा वैष्णव स्थान, कथा केवल वैष्णव का मुंह से ही कथा सुननी चाहिए, भक्तों से ही कथा सुननी चाहिए, अभक्त से कथा नहीं सुननी चाहिए। सुनने से क्या होगा, उदाहरण दिया जैसे दूध है, दूध पीने से क्या होगा, खुदा निवृत्ति होगा, शरीर में ताकत पुष्टि होगा। लेकिन वही दूध यदि साफ मुख में दे, यदि साफ मुंह दे दिए से तन की आवे, वो देखते तो मना आवे दूध भी हो सकते हैं, किंतु खेले ना मृत्यु कारण है। वो देखने के लिए लगेगा जैसे दूध है, लेकिन अगर वो दूध अगर उसमें साप मुंह लगा देता है, वो लगेगा तो दूध, लेकिन इसको पियो तो पूरा मर भी जा सकता है, वो मरने का कारण हो जाएगा। मतलब है अगर भक्तों से कृष्ण
कृष्ण कथा नहीं सुन करके ज्ञानी कर्मी योगी और भोगियों से कथा सुनोगे ना तुम फिर भक्ति नहीं मिलेगी, तुमको कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगा, फिर तुमको ज्ञान कर्म योग का कर्म तुम्हें भेज करके ले जाएगा, भक्ति भगवत भक्ति तुम्हें प्राप्त है बिना बुधवार से। तो जाओ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने कथा, वैष्णव को मुंह से कथा सुननी चाहिए। बोले किसकी कथा सुननी चाहिए? बोले दो व्यक्ति कथा सुननी चाहिए। बोले भवदीय वार्ता, भवदीय वार्ता मतलब एक भगवान और एक भक्त। भागवत से की कथा है, भक्त देव की कथा है, भक्त देव की कथा से ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश महाराज है, भरत महाराज कृष्णा गोपी ब्रजवासी इधरी कथा थी भागवत की। तो भक्त कथा है ना भगवान ऐसे जावे और भक्त इले ही भगवान ऐसे जावे, क्योंकि भगवान को छोड़ करके भक्त नहीं और भक्तों को छोड़ करके भगवान नहीं। जब ध्रुव जी का कथा सुनेंगे अपने आप नारायण की कथा जाए, जब गोपियों की ब्रजवासियों की कथा सुनेंगे कृष्ण कथा नीचे से कैसे जाए, कृष्ण कथा अपने आप आ जाएगी है। इसलिए भक्तों को छोड़ करके भगवान नहीं और भगवान को छोड़ करके भक्त नहीं। इसलिए भवदीय वार्ता, भवदीय वार्ता बोले स्थाने स्थिता। अगर इसको भजन के लिए बोलो ना, बोले अभी लड़की की शादी नहीं हुई है, अभी बेटे को सेटअप कर लेंगे, बेटे को नौकरी चाकरी दे करके ना उनको पूरा सेटअप करके लड़कियों को शादी दे करके जब सारे काम से निपट जाएंगे फिर तो भजन करेंगे। बोले भैया तुम खुद निपट जाओगे लेकिन तुम्हारे काम नहीं निपटेगा, अभी तक तो संसार में किसका काम निपटा है? अपना काम को अभी तो कोई निपट पाया है? बोले निपटते निपटते खुद निपट जाओगे लेकिन तुम्हारी काम नहीं निपटेगा। बुझ पाते तो जे कोई बोले संसार के समस्त कार्य शेष हो गए ना है, पहले मैं देखे सब ठीक ठीक जगह से तादर के सेटअप करे अभी भजन करो, जब पर दिन संसार के सेटअप हो दे अपना किचन को सेट कर लिया, डाइनिंग रूम को सेट कर दिया, अपना है सब को सेट कर दिया, लेकिन अपना पुराने समाज के जे अवस्था ये रखे थे वही अवस्था के भजन करो। भगवान तुम्हें जिस अवस्था में रखे हैं उसी अवस्था को जीवन का सबसे बढ़िया समझ समझो। जीवन में अभी जो स्थिति है यही समझो जीवन का सबसे बढ़िया स्थिति है, इसका आगे अगर और बढ़िया स्थिति आएगी भगवान के भजन से आएगा, भगवान की भजन से आएगा। बुझते बात नहीं? तो अगर आगे कोई बढ़िया स्थिति आएगा तो भगवान के भजन से आएगा, माने भगवान भजन कर ले परे आगे भला स्थिति आसी है। किंतु एखन जे अवस्था आछे मन करबे जीवन रे एटा ही बोलो सर्वश्रेष्ठ समय ए थेके आर भला समय जीवन आते पारे है। बोले संसार जे तो दुख कष्ट आछे एखन आमे जे तो दुख कष्ट आछे, बोले दुख कष्ट केन संसार ते ए तो दुख कष्ट केन किसर जने दुख कष्ट? बोले केवल एक कारण जने कृष्ण बोली सही जीव अनादि वैरभो अतएव माया करते संसार केन संसार दुख आछे कारण होलो हमारा भगवान के भूले गिए छी, ताके भूले गिए छी एजन भगवान हमारे कारागार के नी ढुकिए दिए छे। आज जन भजन करबे कारागार से मुक्त हो जा, कारागार से मुक्त हो जाबे हैं एजने तखन भले के भजन करबे। बुझवा छन तो हां देखो कभी कभी हम ये सोचते हैं जीवन में जो बढ़िया स्थिति आएगा भजन करेंगे, मतलब अभी बढ़िया क्यों नहीं है, कब जब आएगा करेंगे लेकिन अभी क्यों बढ़िया नहीं है, इसका कारण क्या? बोले उसका एक ही कारण है हमने भगवान को भूल गए, क्योंकि जीव का जीव जो है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर को भक्ति करना ही इसका कर्तव्य, लेकिन अभी हमने ईश्वर की भक्ति छोड़ दिया इसीलिए माया ने ये कारागार में डाल दिया। बोले भगवान भजन छोड़ दिया, जिसने दुनिया बनाया, जिसने तुम्हें इंसान जीवन दिया, जिसको जिसने तुमने सब कुछ दिया तो उसको ही भूल गए हो, उसको ही भूल गए हो, देखो माया में जाकर के देखो, इसलिए ये माया हमें दंड दे रही, माया हमें ये दंड दे रही है। लेकिन जब भगवान की भक्ति में हम लग जाएंगे
जितने परिमाण से हम भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे उतना परिमाण से हमारा दुख खत्म होती जाएगी, उतना दुख हमारी खत्म होती जाएगी। जब पूरा भजन में लग जाएगी पूरा आनंद ही आनंद है, पूरा आनंद। जब तक भजन करो तब तक शांति स्वभाव हो, जब तक संसार में तक मन लगो तब तक कष्ट भाव हो। एक जन की करते हैं भगवान भजन करते हैं, देखो एक उदाहरण देखो, আপনার এখানে একটা পোড়া হয়েছে, এখানে একটা পোড়া হয়েছে, আপনি কি করলেন, আপনি একটা মলম কিনে নিয়ে এলেন, আপনি উপর থেকে ওই পোড়ার উপর থেকে মলমটা লাগিয়ে দিলেন, বলুন পোড়াটা ভালো হবে কিনা, বলো 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 ভালো হবে না। দেখবেন ও পোড়া আর এক জায়গায় বেরোবে, ওর উপরে মলম লাগিয়ে দিই, দেখবেন পোড়াটা আর এক জায়গায় বেরোবে, ওটা আর এক জায়গায় বেরোবে। কারণ হলো পোড়াটা হচ্ছে কেন, ওইটা দেখ এখন তোমার যে ব্লাডটা রক্তটা ও খারাপ হয়ে গেছে, এই জন্য এইসব পোড়া হচ্ছে। তুমি যদি ব্লাড যদি ভালো না করো না, ও এই পোড়াটা এখানে আবার এখানে দেখবে সারা শরীর পোড়াই করতে থাকবে, কিন্তু যদি তুমি রক্তটাকে যদি ভালো করে দাও তখন কি হবে, পোড়াটা নিজে থেকে তোমার ভালো হয়ে যাবে। বুঝতে পারছেন তো, দেখো এক বড়িয়া উদাহরণ দেখে দিয়ে প্রহ্লাদ মহারাজ ये बच्चों को समझा रहे, बोले बच्चों ये दुनिया में क्यों ये दुख कष्ट आ रहा है, उसका कारण क्या है, बोले कारण है दुख कष्ट का हमने भगवान को भूल गए, ये हमारा दोष है, सबसे पहले यही दोष है, इसलिए ये माया संसार में दुख दे रहा है। जब उसकी शरण में चले जाओगे सुख मिलेगा। उदाहरण दिया जैसे यहाँ पर तुम्हारे कुछ पड़ा हो गया, अगर तुमने आइंट में ला करके उसको ऊपर में लगा दिया, वो पड़ा सही नहीं होगा, वो पड़ा फिर दूसरे जगह में निकलेगा, फिर उसको ऊपर फिर आइंटमेंट लगा दो, फिर वो पड़ा तीसरे जगह पर निकलेगा। इसलिए क्यों ये पड़ा हो रहा है, कारण है हमारा जो ब्लड है वो खराब हो गया, ये खून खराब हो गया। अगर खून को सही कर दो ना, फिर तो अपने आप ही पड़ा अपने आप सही हो जाएगा। अगर खून को सही नहीं करके यहाँ मतलब पट्टी लगा रहे हैं, वहाँ पैरों पर सारा शरीर में पड़ा निकलेगा। तो उसी तरह हमारा जो मूल दोष है हमने भगवान को भूल गए, इसलिए जितना दुख कष्ट करो, फिर भगवान को भजन करो, भक्ति करो, उनका प्रेम करो, अपने आप सारे दुख तुम्हारी खत्म हो जाएगा। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति। तभी जीवन में परम शांति प्राप्त होवे जब हम हमारा भगवान शरण ते जावो, गोविंद रे भक्ति जगन करो, तब हम जीवन परम शांति परम आनंद तपन प्राप्त है। ए जने ब्रह्मा के लिए बोलते हैं स्थानीय स्थिता, माने भगवान तुम्हारे जे अवस्था से रहते थे वही अवस्था से ही थे के मन करवे ए टाइम अमार जीवन रे सब थे के भालो अवस्था मन कर की करवे भगवान रे भजन करवे ठाकुर रे भजन करवे। एक बार हाथ उठिए तुम्हारी बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे करता है वे। बोले भगवान और भक्त तातेरे कथा बोले तनु बांग मनोधि है, बोले तीन तीन किलिसर द्वारा कथा सुनता है, बोले तन माने शरीर है, बांग माने पानी, मन माने मन, काय मन वाक्य, एक कथना काय मन वाक्य सुनता है वे, काय मन वाक्य सुनता है। तो यहाँ प्रश्न होता है हमारे जो कथा सुनी, हम लोग जो कथा सुनते हैं किधर से कथा सुनते हैं, किधर से कथा सुनते हैं, कानों को द्वारा कथा सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते काय मन वाक्य को द्वारा कथा सुनता है, काय मन वाक्य द्वारा कथा सुनता है, काय मन शरीर द्वारा कथा सुनता है। नियम हो तो कथा से जो आसबो ऐसे बसी गलम धड़ा कर ना कथा प्रथम से যে জায়গায় কথা হচ্ছে প্রথমে ওই জায়গাকে প্রণাম করো, প্রথমে ওই জায়গাকে প্রণাম করো। কারণ হলো বলে সর্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র,
जहाँ कथा होती है वो पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आकर निवास करते हैं। पृथ्वी के समस्त तीर्थ कहाँ पर निवास करते हैं? बोले जहाँ कथा हो रही है। इसलिए आकर के सबसे पहले क्या करो, जहाँ कथा होती है पहले वो स्थान को पहले प्रणाम और वहां का धूल लगाओ, वहां की धूल अपना शरीर पर लगाओ है। इसलिए पहले कथा में आकर के कथा स्थलियों को प्रणाम करनी चाहिए। बोले बांग माने बाणी, बोले बाणी द्वारा कथा सुनबो। बाणी द्वारा कथा सुनबो माने जे कथा हमें सुनबो वही कथा के अन्य के बोलो। यही देखो मैंने कथा सुन लो हम यो शेष कथा से बुझवाते तो जेवन बाड़ी ते जावा, जेवन बाड़ी ते जावा की सब कथा सुने छे वही कथा बोल नी जागे खान ये की करबे ओखने बाड़ी ते कथा सुनावे छेले में तेरे को ए कृष्ण कथा छेले में तेरे सुनावे तादरे ओ कल्याण होवे कृष्ण कथा तादरे सुना ले बुझवाते तो हम ए जगह गिला ए देखला हाय जने छेले मेरा तुम्हारा गोविंदर नाम नाओ तुम्हारा सदगुरु आश्रय ग्रहण करो, आश्रय ग्रहण करे तुम्हारा हो हरिनाम करो, तुम्हारा हो भक्ति करो बुझे तो तादरी को से भक्ति कथा तादरे उतनी उपदेश दिवे हैं। इतने प्रसन्न पाम बोले मनो भी कथा तीसरा बोले मनेर द्वारा कथा सुनता है, ठीक कर सुनता है मनेर द्वारा कथा सुनता है। यदि मन दिए कथा ना सुना है एखाने बसिया से देखते तो बसिया से কিন্তু মনটা বাড়িতে চলে গেছে। এখন ওই গরুটা দেখে খাওয়ালা কি না, এখন ওই ছেলেটা কি আপনি কি করছে, এখন বৌমা বাড়িতে কি করছে হ্যাঁ। হাতে শরীরে তো এখানে বসে আছে কিন্তু চিন্তাটা কোথায় হচ্ছে? বাড়ির চিন্তা হচ্ছে। আর যে বাড়ির যে চিন্তা হয় তাহলে কথা কি করে শুনবে? কথা শুনতেই পারে, শোনার পরে যদি বলি কি শুনলে, আরে আমি তো বাড়ির চিন্তা করছিলাম, শরীরে ছিল মানে শরীরটি। তুই যদি মন দিয়ে না শোনা হয় না কি মনে হবে, আরে আমি তো বাড়ি চলে গেছিলাম বাড়িতে মন। এই জন্য ভগবানের কথা শুনতে গেলে মন দিয়ে কথা শুনতে হয়। এই জন্য বলছে ভগবানের ভজনের জন্য বলে পাঁচটি জিনিস দরকার আছে। কয়টা জিনিস দরকার আছে? যদি পাঁচটি জিনিস যদি ধ্যান দেই তাহলে ভগবানের কথা ঠিক ঠিক শোনা হবে। বলে পাঁচটি জিনিস কি কি দিয়ে পাঁচটি ভগবানের ভজন করতে গেলে হ্যাঁ पांच जिन्स को प्रति लक्ष्य रखना पड़ेगा तभी तो आप कथा सुन सकते हैं। से तो पांच चीज किया है। बोले पहला चीज है लय। लय मतलब होता है सोना है। कथा में बैठ के अगर हम सो गए फिर कथा सुन पाओगे? कथा सुनते पाओगे? कथा में बैठ कर बसे बसे अगर घूमिए के लिए कथा से है कथा देखी एक बार इतना सुंदर सा कहानी सुनो। एक पत्नी प्रत्येक दिन कथा सुनते जाती है। एक व्यक्ति पत्नी रोज कथा सुनते जा रही आज पति के बोले बोले जानो कत सुंदर सेखाने कथा है जे मन सेखाने के तो अमृत बोले राधा विनोद बिहारी की जय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पत्नी पारित से बोले बोले जानो पति के सुनाए कत अमृत कथा कत सुंदर अमृत कथा सेखाने प्रवाहित हो छे तुम एक तो चलो एक तो गोविंदर कथा सुन ले। तो पत्नी प्रत्येक दिन बोले प्रत्येक दिन बोले पति बोले प्रत्येक दिन बोले अमृत रत कथा अमृत रत की सुनी की होचे ओखने की होचे ओखनेटा बटर वृक्ष छिल कथा आगे बसने और कथा पिछले बसी गेछे आर ओ बटर वृक्ष नीचे बसी गेछे पूरे सुंदर मिष्ट मिष्ट हवा आछे पूरा सुए गेछे आ तो सुए गेछे ना मुखटा एकदम खुले गेछे आर एकटी कुकुर एसेछे आ कुकुरेर ना ठेंगे उपरे तुले सीधा मोर बसे যখন শেষে যখন কথা সমাপ্ত হয়েছে বলছে যখন ওই হরি হরি বল বলেছে না এখানে ঘুম ভেঙে গেছে কিন্তু তো মুখ কুকুর তো ঠেঙ্গ উঠি ভালো করে দিয়ে দিয়েছে। এখন তখন যে স্ত্রী এসে বলছে কি গো কথা কিরকম লাগলো বলে তুই বলছিস কি কথাটা কোনো অমৃত মধ্যে তো দেখলাম কথা নন্টা নন্টা লাগছে কথা লবণ লবণ লাগছিল
বুঝতে পারছেন তো? কথা শুনে কে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কে ভজন কে কথা কে পাঁচ চিজ ধ্যান তবে তো ভজন সকা কথা সকতি কথা সুন সক ভজন সকতো বলে পহলা চিজ কিয়া বলে লয় লয় মতলব কথা মে বৈঠো সোনি নই চাই কথা নই সোনি চাই কথা আমি এক জোকিং মেয়ে সুনায়া এক সময় এক পত্নী রোজ কথা শুনে কে যাতি আর ঘর মে রোজ শুনাতি পতি কো জানতে হো কিতনে সুন্দর ওহা কথা হো রে চলো না একবার কথা শুন কর কাও যখন পত্নী রোজ রোজ বলতি হ্যাঁ পতি নে সোচা একবার যা কর কে দেখতে হই কাজে ওহা তো অমৃত বরস রহে কৈসে অমৃত বরস রহে वो गया वहां पर बड़ी मीठी मीठी हवा बह रही थी वो कथा में नहीं कथा को सबसे पीछे बरगद का पेड़ को नीचे उसने कथा किया सुने का जाकर सो ही गया और सो गया तो मुंह खोल के सो गया कितने वहां पर कुत्ता घूम रहे थे हैं कुत्ता घूम रहे थे कितने कुत्ता आया और टांग उठाकर उसको मुंह में सीधा पेशाब पेशाब कर दिया अभी अभी जब कथा समाप्त हो गया ना उन्होंने जयकार दिया बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जब उन्होंने जयकार दिया फिर नींद खुल गई तो इतने में पत्नी ने आकर के पूछा कथा आपको कैसे लगी देखो तो सो गया था और मुंह में तो कुत्ता पेशाब करके चला गया बोले कथा कैसे लगी बोले तू बोल रही थी कथा बड़ा मीठी अमृत बह रही है लेकिन मेरे मुंह में तो नमकीन नमकीन लग रहा है कथा ये अमृत कैसे तो नमकीन इसलिए कहते कथा सुनने के लिए पहला नंबर है लय लय मतलब होता है सोना पहले सुर से नहीं कथा सुनते के लिए एकदम भालो करे हां कोमर का भालो करे सीधा करे सो गए बुझते हो ना सीधा करे वस्त्र में कथा सुनते के लिए लय द्वितीय नंबर है हां लय विखे विखे पर तो लो हां लय विखे पर तो लो कथा सुनते के लिए देखिए जब टीवी देखिए ना सीरियल आते एक एक घंटा देखने দুটো ঘটা তিন তিন ঘটা তো ফিল্ম দেখতে গেলে সব বড় বড় দেখতে থাকো কি এরপর হচ্ছে এরপর কি হচ্ছে কি যদি বলা হয় একটু হরিনাম কর বসে একটু মন দিয়ে হরিনাম কর মন লাগে না যদি পাঁচ মিনিট দশ মিনিট বসে গেছে না তাহলে কখনো শেষ হবে এই শেষ হচ্ছে না মালা তো কখনো শেষ হয়েছে না আর আর অন্নটা ঠান্ডা হয়ে আছে না অন্নটা ঠান্ডা দেখবে ভাজলে তো মনই লাগে না মন ছটপট ছটপট করতে আরম্ভ করে দিয়ে হ্যাঁ মন কখন কখন শেষ হবে কখন দাঁড়াবো কখন একটু ঘুরবো একটু কথা বলবো বুঝতে পারছেন তো বলে না ভগবান ভজন করতে গেলে আমার ভজন করে ফল কেন পাচ্ছি না কারণ কি বলে কারণ কি গুরুদেব যে হরিনাম দিয়েছে বা ভগবান নামের মধ্যে দোষ আছে না আমার নিজের মধ্যে দোষ আছে নিজের মধ্যে দোষ আছে ভগবান নামের মধ্যে কোন দোষ নেই বুঝতে পারছেন তো যদি মন দিয়ে যদি হরিনাম করা হয় প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গুরুবর্গ তারা যেভাবে হরিনাম করেছে সেই রকম ভাবে হরিনাম করতে হয় এক জায়গায় বসে মন দিয়ে হৃদয় থেকে হরিনাম করতে হয় তবে তো হরিনামের ফল পাওয়া যাবে হ্যাঁ আর হরিনাম নিয়ে কিছু দিন পরে ঠিক পরে হরিনাম করলাম না বলে গুরুদেব কিছু তো হচ্ছে না আর একটা কোনো মন্ত্র আছে না কি হ্যাঁ গুরুদেব এর উপরে আর কোনো একটা মন্ত্র আছে হ্যাঁ এখন মথুরাতে কি হয়েছে মথুরাতে আমাদের যে বড় গুরুদেব ছিলেন না একটা লোক গুরুদেব কাছে হরিনাম নিয়েছে হরিনাম নিয়ে কি হয়েছে ওর বিজনেস এত ভালো হয়েছে এত ভালো হয়েছে বিজনেস কিছু দিনের মধ্যে বিশাল বড় লোক হয়ে গেছে আর পাঁচ পাঁচ তলা বিল্ডিং দাঁড় করে দিয়েছে তখন অড়সি পড়সির যে লোকগুলো ছিল না বলে আরে গৌরী মঠের বাবা থেকে যদি মালা নেওয়া হয় না হরিনাম নেওয়া হয় দেখো ও লোকটা কত গরিব ছিল কত দিনের মধ্যে আরে এত বড় বিল্ডিং দাঁড় করে দিয়েছে এখন প্রচার হয়ে গেছে গৌরী মঠের বাবার মন্ত্রের কাজ শক্তি আছে এখানে এসেছে আর আশেপাশের লোকরা তারাও গুরুদেবের কাছে মালা নিয়ে নিয়েছে মালা নিয়ে তখন ওর তো ভাগ্য ছিল ওর হয়েছে এখন মালা নিয়ে যখন কিছু হচ্ছে না তখন গুরুদেবের কাছে আসে বলে গুরুদেব আর কোন মন্ত্র আছে না কিছু ওই লোকটি হরিনাম করে এত পয়সা বলা হয়ে গেছে পাঁচ তলা বিল্ডিং দাঁড়া করে দিয়েছে বিজনেস এত বড় এখন আমার কিছু হচ্ছে না ওর আগে আর কোন মন্ত্র আছে না কিছু বুঝতে পারছেন তো
हरे कृष्णा। इसलिए यहाँ कहते हैं जो मंत्र हम गुरु से लेते हैं भजन कैसे करनी चाहिए, क्योंकि उसमें दूसरा दोष है विक्षेप। विक्षेप का मतलब होता है हरिनाम करने के लिए एक जगह पर बैठ करके मन को लगा करके, अगर तुलसी वृक्ष हो तो बहुत अच्छा है, अगर मन इधर उधर भटकता है ये तुलसी वृक्ष सामने रखे, तुलसी वृक्ष को सामने रख करके ये माला कर। अगर मन इधर उधर भटकता है तुलसी वृक्ष को सामने रख लो, उसको सामने बैठ करके ये हरिनाम करो, हृदय से रो रो करके, हृदय से पुकार पुकार कर हरिनाम करने का। लेकिन हम कैसे माला करते हैं हरे कृष्ण कृष्ण, कब तक ऐसे ऐसे कोई माला कर हरे कृष्ण राम पूरा स्पष्ट रूपे हरिनाम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, स्पष्ट रूप से हरिनाम करते हैं। अक्सर जाते स्पष्ट रूप से उच्चारण है, द्वितीय की हो लो बस से मन लागे हरिनाम करते, हाँ बैठ करके मन को लगा करके हरिनाम करना पड़ेगा, मन को लय कर मतलब एक मन को एकत्रित करके हृदय से हरिनाम लेना पड़ेगा। अगर हृदय से अगर हम सही सही अगर हरिनाम ले रो रो करके ले जरूर ये माला में कुछ देगा। अभी तक ये माला करके कोई फेल नहीं हुए, हमारे गुरु पर कोई फेल हुए गुरु जी प्रभुपाद से विश्वनाथ चक्रम क्या कोई फेल हुए, सबके सब भगवान को प्राप्त किया, पर अभी हमें क्यों नहीं मिल रहा है ये हरिनाम करके, हमें क्यों नहीं मिल रहा है ये माला में दोष है, ये माला में दोष ना अपना अंदर में दोष है, अपना अंदर में दोष माला में भगवान का नाम में कोई दोष नहीं है। लेकिन इसमें विक्षेप मतलब होता है हरिनाम करते समय मन लगता है, मन लागे क्या मन लगता है दूसरे चीज, मन तो एक एक देख लेना तीन तीन घंटा बैठ के सीरियल देख लेते हैं, आप फिल्म देख लेते हैं, लेकिन अगर दस मिनट हरिनाम जब करना ये कब खत्म होगा, अभी तक क्यों खत्म नहीं हो रही, ये कब खत्म हो, तब ये माला को रख करके हम फिर दूसरे बात में लग जाए, फिर माला कैसे देगा। ध्रुव महाराज जब तपस्या की तीन दिन में एक बार बेर फल को खा लेते थे, तीन दिन तक उनका ध्यान नहीं टूटता था, एक जगह पर बैठ करके मन को लगाते थे, दूसरे महीना में छह दिन अंतर अंतर में केवल सूखे पत्ते को खाने भजन किया, तीन महीना में केवल पानी एक बार पी लेते थे, नौ महीना में एक बार पानी पी लेकर भजन, और चौथा में बारह बारह दिन तक एक जगह पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक जगह पर बैठ करके मन को लगा करके उन्होंने भजन किया, तभी तो उनको छह महीना भगवान मिल गए ना। और विशेष करके कलयुग में तो भगवान बड़े दयालु, कलयुग में तो भगवान खूब दयालु भगवान, अल्प साधन से कलयुग में अल्प साधन से फल देगा, लेकिन हमारे अंदर में दोष है, जैसे हरिनाम करनी चाहिए हम ऐसे हरिनाम नहीं करते, इसलिए हरिनाम करते हुए उसका फल नहीं मिलता है, फिर मन इधर उधर भटकता है दुनियादारी में, मन फिर विषय में भटकता है, फिर ये नाम हमें फल नहीं देता है, इसलिए हरिनाम को हमें ठीक ठीक से हरिनाम करनी चाहिए। बुझते बातें तो हरिनाम का ठीक ठीक भाव करता हुए निश्चित रूप से हरिनाम फल दिवे दबा के। और जीवन कभी कभी क्या होता है कुछ दिन भजन करते हैं, कुछ दिन बाद फिर भजन भजन माला पहनाम छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, कहते अभी तो कुछ हुआ है, अभी तो कुछ हुआ है माला में कुछ हुआ है, अरे ऐसे हो सकता है भगवान नाम में कोई नहीं हो सकता है, वो तो जरूर कुछ ना कुछ देगा है नाम, भले सारा दुनिया कोई बिजनेस हमारी नहीं फेल हो जाए लेकिन नाम कोई फेल नहीं होगा। इसलिए विराट कहती है बिन बिन बड़ा दसवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ए बसो कर करा बिना हरे कृष्ण इतने बोले भगवान ने भजन करा जिने लय विक्के अभिनिवेश रसास्वा ये सब चीज को दूर करे भजन करता है। अभिनिवेश माने कि हरिनाम कर दिए दिले हैं, हरिनाम कर के तो मनटा अंदर उदय ले गया से जर को भरत महाराज जिने भजन करते के ले भजन करते करते अनेक उन्नत अवस्था प्राप्त कर छिले, कि देखते हरि के प्रति आसक्ति हो गया, एक तो हरि प्रति आसक्ति हुई के छे और मरार समय वही हरि ने चिंता करते 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 मर लो तो आगर जन्म हरि हो,
अगर जन्मे हरिणी हो जन्म निल और उन्नी तो केवल एक हरिणी प्रति आसक्ति हो मन के जिज्ञास आसक्ति ছেলে প্রতি মেয়ে প্রতি নাতি প্রতি পতি প্রতি ঘরে যে ছাগল আছে গরু আছে হ্যাঁ সবাই প্রতি আমাদের আসক্তি আছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে বুঝতে পারছেন তো এই জন্য কেবল হরিণের প্রতি আসক্তি হলে তার এই তিন জন্ম নষ্ট হলো তিন জন্ম তার নষ্ট হলো আবার যখন তৃতীয় জন্মে যখন ও জড় ভারত হয়ে জন্ম নিল ও চেনে শুনে কার সঙ্গে কথা বলতো না সব কথা বলতে পারতো তিন জন্মের কথা মনে আছে না আমি ভারতের রাজা ছিলাম সব ছেড়ে ভজন করতে গেলাম হরিণীর প্রতি আসক্তি হলো দ্বিতীয় জন্ম হরিণী হলো হরিণী হয়ে ও হরিণীদের সঙ্গে থাকতো না যেখানে সাধু সঙ্গ হতো ওইখানে কি বসে থাকতো হ্যাঁ হরি কথা শুনতো আর সাধুরা খাওয়ার পর যে এঁঠো পাতা ফেলে দিত ওইটাই খেত কেন প্রথমে ভগবানের ভোগ লাগলো বৈষ্ণবরা খেলো মহা মহা প্রসাদ হ্যাঁ মৃত্যু সময় তিনি কি করলো ওই জলের মধ্যে গিয়ে গলা পর্যন্ত গণ্ডগোল না দিতে গলা পর্যন্ত জলের মধ্যে গিয়ে সে সে প্রাণ ত্যাগ করে তারপরে ভরত জড় ভরত হয়ে গেল ও জেনে শুনে কথাই বলতো না বলে কেন বলে যদি বেশি কথা বলি না এর পিতা মাতা কি করবে যদি বেশি কথা বলি লেখাপড়া শিখাবে আবার ওই এটা মেয়ের গলা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলে আবার সেই সংসারের মধ্যে আমি আবার সেই সংসারের মধ্যে ঢুকে যাবো একবার সংসারের মধ্যে ঢুকলে বলে এইরকম একটি গর্ত না যার মধ্যে ঢুকলে আর বেরোবার কোন রাস্তা নেই একবার যদি ঢুকে গিয়েছেন সংসারে ওখান থেকে আর মরার আগে পর্যন্ত ওখান থেকে আর কিছুতেই বেরোতে পারবে না হ্যাঁ বলে ওইটা শেষ এই কাজ যদি শেষ হলে আমি আবার বৃন্দাবনে যাব ওইটা পরে দুইটা দুইটা সমস্যা তিনটা সমস্যা মরার আগে পর্যন্ত আর সেখান থেকে বেরোতে পারবে না এই জন্য ওই চেনে শুনে কথাই চেনে শুনে বললো না বলে কথা বললে খারাপ আছে হ্যাঁ সংসারের মধ্যে আমাকে আবার সংসারের মধ্যে ফাঁসিয়ে দিবে বুঝতে পারছেন তো এইগুলো শ্রী ভারত মহারাজ জি ভজন করতে গিয়ে গে লেকিন এই হিরণ শিশু কা প্রতি আসক্তি হয়ে তো ফির হিরণ কে হ্যাঁ উনকা তিন জন্ম বরবাদ হো গিয়া ফির তিসরি জন্ম মে ও জান বুঝ করকে উনহনে নাটক রচায়া হ্যাঁ পিতা মাতা উসকো পড়ানে কে লিয়ে চাহতে থে লেকিন পড়াই নি সকতে কেউ জ্যাদা পড়েঙ্গে তো লেখা পড়া সিখ তো ফির नौकरी चाकरी दिला देंगे संसार में फिर शादी शुदा कर देंगे फिर तो संसार में फंस जाएगी तो फिर भजन नहीं होगा है ये मानव शरीर 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार भगवान मानव शरीर दिया अगर एक बार पुनः संसार में अगर हम फंस गए फिर मरने का पहला तक भी ये समस्या नहीं जाएगी ये करना वो करना वो करते करते जीवन खत्म फिर भगवान ये मानव शरीर हमें नहीं देगा इसलिए जान बुझ कर उन्होंने लिखा पढ़ा नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं की फिर तीसरे जीवन में फिर उन्होंने भगवत प्राप्ति हुई इसे बोला अभिनिवेश और जो चौथा उसे रसास्वाद रसास्वाद का अर्थ होगा जय तुम हरिनाम करती हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे
जिसे हरिनाम करने के लिए बोले रसा स्वाद का मतलब होता है भगवान का नाम तो कर रहे हैं इधर, लेकिन मन और किसी चीज की आनंद ले रहा है, और किसी चीज का आनंद ले रहा है, दूसरे चीज को याद करते 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 उसी चीज में मन को उसी चीज में डूबा हुआ, फिर हरिनाम से फिर फल नहीं मिलता। ये मन कैसे, जैसे पतंग उड़ाते ना, बुरी उड़ाते पतंग उड़ाते, अब उसको पकड़ना इतने तेजी से, ये जो धागा को इतने तेजी से खींचते हुए ले जाएगा, एक मिनट में पूरा सर धागा खत्म कर देगा। उसको अगर छोड़ दो तो मन, ये मन को छोड़ दो, ये मन ठीक पतंग जैसे, अगर कहीं से मन को छोड़ दिया ना, बैठे हुए हो लेकिन घर का चिंता हो रहा ना, जिसको साथ में प्रेम किया हुआ उसको ही चिंता कर रहे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे दुकान में बड़े सुंदर गोलगप्पे मिलते हैं, हरे कृष्ण वहां पर सिनेमा हॉल में बंद होगा, बस इधर माला चल रहा है, लेकिन आनंद हरिनाम का नहीं, वो आनंद और किस चीज का आनंद लेगा, वो दोस्त का फैर कहती है हरिनाम, फैर ये फल हरिनाम नहीं देता है। इसलिए हरिनाम करने के लिए अगर ठीक ठीक से अगर हम हरिनाम करेंगे, ये हरिनाम जरूर हमें फल देगा। यदि भालो यदि भालो भावे सत्य सती, यदि अगर हरिनाम करेंगे करवे, ये हरिनाम निश्चित रूप से फल, अपनी शांति एक जगह बसते कहते कहते हृदय से के अपने भगवान तुलसी गाछ सामने लेके दिले, हाँ तुलसी पेड़ रख लेना सामने, अपनी बसे बसे कहते कहते हृदय से अपने हरिनाम करो, अपनी शांति में हरिनाम करो, देखबे कीरम फल पावे, ये तो फल पावे ना, जीवन को कहना माला छाड़े ना, सारा दुनिया छूटे जाए मन तक, लेकिन माला कौन छाड़े ना, कहो कहना जब अपनी हृदय से हरिनाम करबे तो कुछ अपना अनुभूति है, आज जब सत्य सत्य तुम्हार अनुभूति है ना, तक तुम ये चीज से छाड़ते पारबे, तक तुम कखनो बोलते पारबे ना अरे हरिनाम कर लाम तो किछु होलो, समझ रहे हो। इसलिए अगर रो रो करके ठाकुर के सामने बैठ करके, तुलसी वृक्षों के सामने बैठ करके, हृदय से पुकार पुकार करके हरिनाम करो, हैं हृदय से पुकार पुकार कर हरिनाम करोगे, जरूर अनुभूति तुम्हारी होगी। जिंदगी में कभी ये माला हमसे कभी नहीं छूटे, लेकिन हम लोग क्या करते, कुछ दिन माला करते हैं, कुछ दिन बाद माला जहाँ था लटक गया, माला से कोई मतलब कहते कुछ तो मिला ही नहीं ना, ना कुछ तो मिला ही नहीं ना, नहीं ऐसे कभी नहीं हो सकता है, मिलेगा तो इसी से ही मिलेगा, दुनिया से और इससे हमें कोई चीज मिलने वाले नहीं, मिलेगा तो यही चीज ही हमें, यही से ही हमें भगवत प्रेम भगवत भक्ति यही से मिलने वाले, और कहीं से हमें नहीं मिलने वाले, कुछ बात है। तो बोलते तनो बांग मनोवी काय मन वाक्य द्वारा की करता है भगवान भजन करते प्राय स्व अजीत, जिन्हें प्राय करके अजित, अजित माने जाके जीता बहुत कठिन आसे, प्राय करके अजित माने जाके प्राय करके पावा बहुत कठिन आसे, लेकिन को त्रिलोक करे नाथ भले हो तिनी तुम्हारा भक्ति से वसूल हो जाए, तिनी तुम्हारा भक्ति से तिनी वसीभूत हो जाए, भक्ति से भगवत भक्ति द्वारा ही जीवे कल्याण, अर्थात द्वारा कल्याण, ऐसे भगवान एक जगत जे अभिभूत हो जाए, तब कथा मृतम तब जीवन माने यदि के भगवान की कथा सुने, ये संसार मध्य विभिन्न भावे दुख कष्ट आछे, समस्त दुख कष्ट तुम्हार नाश हो जाए, समस्त दुख कष्ट तुम्हार शेष है, जीवन तब जीवन है। अभी हमारे बीच में एक बच्चा है, आप लोगों को कथा सुनाएगा और कथा सुनाएगा, भगवान जगत जन्म होले तो भगवान एक जगत केन ऐसे चले, एक जगत आसार किया की कारण क्या, की कारण एक जगत कृष्ण केन होले तिन तो अजन्मा, कृष्ण गीता तो बोलते हैं अजो, अजो माने हमार जन्म ना है, लेकिन तार जन्म ना था का सत्य हो तीन जगत किसे दिन आवार तीन जन्म है कारण की तिन तो होले ना अजन्मा, तिन अगर जन्म होले नहीं की करे इतने कैसे बोले ना, अरे हमारा जेरे तो जन्म हो भगवान तो ये रकम जन्म दिए, मारे पेट तेरे जन्म दिए, हां मारे पेट तेरे जन्म दिए छे, हमारा जन्म दिए छे, गोपी तो जन्म दिए छे ना, भगवान बोले छे जन्म कर्म च विदितम, हमारे जन्म कर्म हलो अपराकृत अलौकिकी, हमारे जन्म कर्म हलो दिव्य, यदि एटा को ठीक ठीक जानते बारे ना, शरीर त्यागन पर
আবার এই শরীরে সে শরীর ধারণ করে না। বুঝতে পারছেন তো? পাগলা বুঝতে পারছেন কিন্তু বুঝতে পারছো? এই ছেলেটি আপনাদেরকে একটু শোনাবে ভগবান কেন এই জগতে জন্ম নিলে। উনি তো বলবেন হিন্দিতে, কিন্তু আপনারা সব পণ্ডিত আছেন, সব বুঝতে পারছেন। চক্ষুরুন্মীলিতম যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। গুরুবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালয়ে, কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দম, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসাদি গৌর ভক্তবৃন্দম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। সর্বপ্রথম महाराज जी ने आज्ञा दिया है कि कृष्ण ने जन्म क्यों लिया। यद्यपि कृष्ण का जो जन्म और कर्म दिव्य है, फिर भी कृष्ण किस कारण से जन्म लेते हैं, वो उसके पीछे कारण जो भी जितने भी कारण है उसके विषय में बताने के लिए गुरुदेव ने आज्ञा दिया। तो कृष्ण ने जो जन्म लेते हैं उसके पीछे कई कारण है, लेकिन ये 10 मुख्य कारण है जो भी हम बताएंगे गुरुदेव की कृपा से। इसी के यही जो 10 कारण है इसी के लिए इन्हीं के यही कारण से कृष्ण जो है जन्म लेते हैं और लीला जो है वो लीला का प्रदर्शन कृष्ण करते हैं। तो जो पहला कारण बताया वो बताया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रचार होता है, तो धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण जो है वह जन्म लेते हैं। कृष्ण जन्म लेते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। तो पहला कारण बताया कि धर्म स्थापना के लिए कृष्ण जो है जन्म लेते हैं। उसी में बताया दूसरा श्लोक कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो साधु जन है, जो भगवान के भक्त है, उनको आनंद देने के लिए, सुंदर सुंदर लीला करने के लिए, जैसे प्रहलाद महाराज जी के साथ नरसिंह भगवान जी बड़ी सुंदर थी। प्रहलाद महाराज जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप को मारने में तो थोड़ी देर लगी, उसके बाद प्रहलाद महाराज के साथ कितना प्रेम किया, कितने प्रेम से, जो कितनी सुंदर वो लीला है। इसलिए बता इसलिए बोला इस श्लोक में पहले परित्राणाय साधु नाम, कि साधु जन को प्रेम देने के लिए, साधु जन को मीठी मीठी कथा विस्तार करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और जो दूसरा कारण बताया विनाशाय च दुष्कृताम, कि दुष्टों का संहार करने के लिए जो कृष्ण जन्म लेते हैं। तो ये दूसरा कारण हो गया कि कृष्ण जो है वो दुष्टों का संहार करने के लिए और अपने भक्तों के साथ मीठी मीठी लीला करने के लिए कृष्ण जन्म लेते हैं। तीसरा इसी के अंदर एक और श्लोक बताया अनुग्रहाय भक्तानाम करोमि विविध क्रिया, कि भक्तों को प्रेम देने के लिए, भक्तों का अनुग्रह करने के लिए कृष्ण विविध क्रियाओं को करते हैं। तो ये जो हो गया पहला कारण हो गया यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत धर्म स्थापना के लिए, दूसरा बताया परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये दो कारण हो गए जिससे कि कृष्ण जो है ये जन्म लेकर और ये मधुर मधुर लीलाओं को करते। तीसरा कारण बताया कुब्जा का उद्धार करने के लिए। कुब्जा पूर्व जन्म में जब रामलीला के समय में ये कुब्जा जो थी, गुरुदेव बड़ी सुंदर कथा बताते हैं कि ये कुब्जा जो रामलीला के समय पर ये थी सुपर्णखा, रावण की बहन थी ये कुब्जा। लेकिन जब इसको पता चला कि दो बड़े सुंदर सुकुमार राम और लक्ष्मण जो वन में है, उनके साथ में एक स्त्री भी है सीता जो वन में है,
तो जब ये आई इसने छुपकर देखा सुपर्णखा ने, तो देखा राम तो बड़े सुंदर, राम का रूप देखकर मोहित हो गई और राम की ओर भागी। राम से बोलती कि मैं तुम इतने और बड़ी सुंदर भेष बना के गई, एकदम राजकुमारी जैसा भेष बना के गई, जैसे कि कोई स्वर की अप्सरा ऐसा रूप बनाकर ये सुपर्णखा गई और राम से निवेदन करती है कि आपका रूप तो इतना सुंदर है, आप मुझसे विवाह कर लो। लेकिन राम ने उनको कहा कि देवी आपका जो विचार है वो तो ठीक है, लेकिन मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा का विस्तार करने के लिए अवतार लिया, मैं तो इस जन्म में एक पत्नी व्रत को धारण किया, मैं तो आपसे विवाह नहीं कर सकता, आप मेरे छोटे भाई से। लक्ष्मण ने बोला मैं भी विवाह कर सकता, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। जब उसको पता चला कि ये दोनों सुकुमार और मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो बड़ी क्रोधित हो गई और बोली ये जो सीता है इसी के कारण ये लोग मुझसे विवाह नहीं करना चाहते, अगर ये मर जाए तो ये हो सकता है राम मुझसे विवाह कर ले। ऐसा करके सीता की ओर मारने दौड़ी। लेकिन जो लक्ष्मण है वो गुरु तत्व है और उन्होंने देखा और लक्ष्मण ने जो सुपर्णखा के नाक और कान को काट दिया। यहाँ पर गुरुदेव बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, बोलते हैं कि यद्यपि सुपर्णखा जो थी वो भगवान से विवाह करना चाहती थी, वो भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती, तो इसमें दोष क्या है? भगवान का तो रूप इतना सुंदर है ही, हर कोई भगवान को पति रूप में प्राप्त, अगर सुपर्णखा भी चाहती है तो इसमें कौन सा बड़ा दोष हो गया? तो यहाँ पर यही कथा बताया कि भगवान क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला कर रहे थे इसलिए वहां पर उनको स्वीकार नहीं किया, लेकिन जो गुरु तत्व लक्ष्मण उन्होंने नाक कान काट दिया, एक तरीके से स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि नाक कान काट देने से और कोई पुरुष उस स्त्री को स्वीकार नहीं करेगा। और फिर कृष्ण लीला में वही जो सुपर्णखा है वो कुब्जा का रूप धारण कर आती है और कुब्जा के लिए जो चंदन वो कंस के लिए जो चंदन की सेवा जो चंदन होता है वो कंस को लेप करती थी। जब कृष्ण आ गए मथुरा में, जब धनुष यज्ञ हुआ और अक्रूर जी जब कृष्ण को लेकर मथुरा आ गए तो उन्होंने बोला चाचा, दोनों कृष्ण बलराम दोनों अक्रूर जी से बोला चाचा हमने सुना है मथुरा नगरी तो बड़ी विशाल है, बड़ी सुंदर है, क्या हम दर्शन करके आए? उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ। तो कृष्ण जो है वो ग्वाल जितने भी उनके साथ सखा आए थे सबके साथ मथुरा दर्शन के लिए जाते, मथुरा दर्शन करने के लिए जाते तो उन्होंने देखा रास्ते में जो ये कुब्जा जो कुबड़ी जो टेढ़ी थी, सब टेढ़ी, कमर झुकी हुई, गर्दन भी टेढ़ी, जो कुब्जा टेढ़ी, इस कुब्जा को देखा ये हाथ में चंदन लेके जाए कंस की सेवा करने के लिए। तो जब ये पीछे से कृष्ण ने देखा तो बोले सुंदरी कहाँ जा रही? तो कुब्जा बोली कि मेरे को छेड़ रहे। कुब्जा सोची कि ये मेरे को छेड़ रहे, मैं तो इतनी बसुरा हूं, मेरे को तो कोई देखना पसंद नहीं करता, मेरे को कौन सुंदरी बोलेगा? तो कुब्जा ने पीछे मुड़ के बोला कि मुझे क्यों छेड़ रहे, मैं तो वैसे ही इतनी बसुरा हूं। तो बोला मैं तुम्हारे शरीर को नहीं देखता, मैं तुम्हारे अंतरात्मा को देखता, तुम कितनी सुंदर हो। और कुब्जा को जब देखा बोले क्या, और जो कुब्जा थी वो हाथ में चंदन लिए हुए थी, कृष्ण ने उसके जो पैर पे पैर रखकर और थोड़ी को उठाया तो बड़ी सुंदर वो अप्सरा के जैसी हो गई कुब्जा, और वहां पर जो कुब्जा है भगवान के उसने चंदन की सेवा बाद में किया। तो इसलिए तीसरा कारण बताया कुब्जा का उद्धार करने के लिए कृष्ण जो है वो जन्म लिया। चौथा कारण बताया कि जो दंड कारण्य वन के जो ऋषि मुनि थे, जब वाल्मीकि जब राम और लक्ष्मण को दशरथ महाराज जी से लेकर गए, जो खर दूषण यज्ञ नहीं करने देते थे, यज्ञ के अंदर उल्टा पुल्टा चीज हड्डी मांस डाल देते थे और यज्ञ को खराब कर देते थे, तो जो वाल्मीकि जी जो थे वो राम और लक्ष्मण जी को दशरथ जी से मांग कर लेकर गए। और वहां पर जब राम का रूप जब देखा दंडकारण्य वन में, जो ऋषि स्वाहा स्वाहा करके जो हवन कर रहे थे, जो बड़ा सुंदर जो वहां पे हवन चल रहा था, जब उन्होंने देखा दंडकारण्य वन में कि राम का जो रक्त वर्ण इतने सुंदर जो राम सुकुमार है, तो वो तो राम पर मोहित हो गए और उन्होंने राम को प्राप्त करने के लिए जब आए तो राम ने बोला कि अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला कर रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा, जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तब आप सब जो है गोपियां बनकर आना और जब कृष्ण मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो ये कुब्जा का भगवान ने उद्धार किया। चौथा कारण बताया दंडकारण्य वन के जो ऋषि मुनि है इनका उद्धार भगवान की जो इन्होंने वरदान दिया था उसके लिए कृष्ण ने जो है ये जन्म लिया। तो ये चौथा कारण हो गया। पांचवा कारण बताया जो रत्नमाला जो राजा बलि की कन्या रत्नमाला, और जब भगवान ने वामन अवतार लिया और भगवान जो है भिक्षु रूप में आए और राजा बलि से जो है 3 पग भूमि की जो भिक्षा मांगते, और राजा बलि जो है और
और जो बावन भगवान इतने सुंदर, इतने सुंदर बालक और उसको देखकर जो है सब लोग मोहित हो गए। तो जो राजा बलि की जो कन्या जिसका नाम रत्नमाला थी, वो भगवान का रूप देखकर मोहित हो गई और सोचती है कि क्या कभी ऐसा मेरा बालक होगा, क्या कभी मैं किसी जन्म में कोई मेरा ऐसा बालक होगा जिसको मैं दूध पिलाऊंगी, जिसको मैं पुत्र रूप में प्राप्त करूंगी और दूध पिलाऊंगी। और जब थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ये तो बालक नहीं, ये तो स्वयं भगवान, और जब तीन पद भूमि का वरदान मिलते ही विशाल रूप लेकर त्रिभुवन को नाप लिया और जो राजा बलि है उनका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। तब ये देखा तो वो बोलती है कि अगर मेरा कभी ऐसा बालक होगा ना, तो इसको दूध तो क्या, इसको तो मैं कालकूट जहर पिलाऊंगी, कालकूट जहर पिलाऊंगी। तो भगवान तो सबके भाव को ग्रहण कर, भगवान तो सबकी इच्छा को पूर्ण करते। तो भगवान ने जो रत्नमाला थी उसकी भी इच्छा को स्वीकार किया और कृष्ण लीला में यही जो रत्नमाला है ये पूतना बन गया, यही रत्नमाला पूतना बनकर आती है और कालकूट जहर लगाकर भगवान को विष पिलाने आती है। और भगवान विष तो क्या पीते हैं, उसके प्राण का हरण कर उसको धात्री गति अपने धाम में भगवान देते हैं। भगवान इतने दयालु है कि जो 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 पूतना जो कालकूट जहर भर के भगवान को मारने के उद्देश्य से आती है उसको भी भगवान अपने धाम में धात्री की गति देते हैं। इसलिए बोला अहो बकियम तन कालकूटम, इतने कृष्ण दयालु है। तो ये जो पांचवा कारण बताया, जो रत्नमाला उसका उद्धार करने के लिए कृष्ण जन्म लेते। एक और कारण बताया कि जब सीता जी जो है वो वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी और सीता जी वहां पर रहने लगी, अब राम जी ने उनके पीछे से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन जब किया तो वशिष्ठ जी जो जो यज्ञ को कराएंगे उनके कुल गुरु, वो बोले कि बिना पत्नी के तो ये यज्ञ हो नहीं सकता। लेकिन राम बोले अभी तो मैंने एक पत्नी व्रत को धारण किया है, मैं दूसरा विवाह कर नहीं सकता। तो उसका उपाय बताया कि एक सोने की सीता को बना, एक सोने की सीता को बनाकर साइड में रखकर और जो है यज्ञ को पूर्ण करा जा सकता है। तो जब सोने की सीता बनाया तो ये कितने बार जब भगवान, तो कितने हजार साल भगवान ने राज्य को किया, कितने लाख साल भगवान ने राज्य को किया। तो जब जो 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 सीता थी, सोने की जो सीता, जितनी भी सीता थी, ये सारी की सारी सीता बाद में जो है गोपी बन के आए। तो इनका उद्धार करने के लिए भी भगवान ने जन्म लिया। एक कारण ये भी बताया, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। যদি কোনো ঔষধ লাগে যখন এই কথা হয়ে যাবে ওই প্রভু